चल उठा। कोई बात नहीं सर। कहा ना उठा। इधर आ। अरे सोच क्या रहा है, आना, शंकर भाई बुला रहे हैं। नमस्ते। हाँ नमस्ते। शंकर भाई, कबीर को बुलाया था ना, वो आ गया। बैठ जा। तू तो दाढ़ी निकाल के मूछ रख के पुलिस वाला जैसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आजकल बाहर की तरफ भी नहीं आता। पीना वीना छोड़ दिया क्या? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। वो क्या है, उस दिन जो मारा था ना, उसका निशान देख रहा था, इसीलिए बुलाया। और कोई बात नहीं। ए, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठा है? तू बाहर में नहीं आता तो मजा नहीं आता। पहले के जैसे आया कर, ठीक है? चल। के लिए क्या लाऊं? कुछ खड़ा हो रे। क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? खड़ा हो। जेब से कार्ड बाहर निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोलता है। शंकर, किसी पर हाथ मत उठा। इसने जेब में कार्ड रखा है, धोखा दे रहा है ये। जो भी हो, हाथ नहीं उठाना है। तू हाथ उठाएगा तो वो चुप बैठेगा क्या? ए, हाथ में गले में जो भी है, चल उतार उसे। अब से इस बार के आसपास तुझे देखा तो काट कर फेंक दूंगा। चल निकल। गाड़ी रुको जरा। नमस्ते सर। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वो गाड़ी खराब हो गई है, वही ठीक कर रहा था। गाड़ी किसकी है? अपनी ही है सर। सारे पेपर्स हैं ना? हाँ सब होंगे सर। होंगे मतलब? कांस्टेबल चेक करो जरा। ए रुक जा। सर B2 पुलिस स्टेशन में काम करता हूँ। साहब आप बताइए ना। हाँ सर, सुंदर पांडे जी के साथ देखा है सर। ये दूसरे एरिया का है सर। ए मुकेश सर, गाड़ी लेके थाने पहुंचो। ठीक है सर। ए, इसे अंदर बिठाओ। सर क्या सर? ए, अभी अभी इंस्पेक्टर साहब के घर से ही आ रहा हूँ। आप चाहो तो बात कर। ए, चल गाड़ी में बैठ। जल्दी बिठाओ अंदर। मुकेश सर, गाड़ी लेके थाने आओ। ठीक है सर। चलो। ए, चल उठ। उठ बोला ना। ऐसे सो रहा है जैसे अपने घर में सो रहा हो। ये ले। मुझे नहीं चाहिए। अरे पी ना, पी ले। क्या साहब, आप सच में मुझे नहीं जानते हो क्या? अब मैं क्या बताऊं? इंस्पेक्टर के कहने पर मुझे गाड़ी में बिठाना ही पड़ा। अच्छा, अगर अपने इंस्पेक्टर का नाम लेते तो छोड़ देते, पता है ना। अपना मुंह बंद कर। अगर ज़्यादा बड़बड़ किया ना तो तुझे उठाकर अंदर डाल देंगे। क्या इनकी उनकी बनती नहीं है क्या? डिपार्टमेंट में 36 बातें होती हैं, सब तुम्हें नहीं बता सकता। ये लो चाबी, बाहर गाड़ी खड़ी है, चाय पीकर निकल लो, जाओ। क्या सर, इसको पिला रहे हैं, हमें नहीं देंगे क्या? चुप तेरी तो। मैं चाय वाला हूँ क्या? रात भर गायब सारे। कहाँ गया था तू? घर पर। झूठ मत बोल। कहाँ घूम कर आ रहा है बता ना। अरे जाने दे, थाने में किसी लेडीज कांस्टेबल को पटाया होगा। नाइट शिफ्ट कर रहा है आजकल। ए, हम बैचलर करें तो ये सब सही है, लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा है? ए कबीर, अनिता ने फोन किया था, तूने उठाया क्यों नहीं? क्या चाहिए उसे? बच्ची का जन्मदिन आ रहा है, कपड़े खरीदने हैं उसे। घर जा रहा है ना तू? ए, तू ऐसा क्यों कर रहा है रे? बीवी के पास क्यों नहीं जा रहा? मुझे तो कोई लड़की देता नहीं है, देगा तो महारानी बना के रखूंगा। वैसे रतन कुमार सर, कबीर को पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेज दें। काम अच्छा करता है, भेज सकते हैं सर। अच्छा कबीर। हाँ सर। जिस जुए के अड्डे के बारे में बताया था, वो एरिया दीपक के अंडर में आता है ना? जी हाँ सर। उसके बारे में इंक्वायरी करो। कर लेते हैं सर। और साथ में क्राइम रिव्यू की मीटिंग के वक्त याद दिलाना, उसे मेंशन करना है। ओके सर। आजकल ये दीपक कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है, सुना ना? कल रात भर कबीर को अंदर लॉकअप में रखा, मेरा नाम बताने के बाद भी नहीं छोड़ा। सर सर सर, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। एक कुछ गलत समझ के बोल रहा है लगता है। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। आपका नाम लेने के बाद ही उन्होंने अंदर किया था मुझे। क्या बोला तू? अब क्या हुआ? वैसे भी इन दोनों के बीच जमती नहीं है। वो सब जानते थे इसलिए तो चुप बैठे थे हम। तूने बेकार इनके बीच जुए की बात छेड़ दी। परेशान क्यों हो रहे हो भैया, छोटी सी बात है। ए, यहाँ जुआ कहाँ होता है, कब कब होता है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़े दिन पहले तुझे थप्पड़ मारकर भगाया था ना वहाँ से, वो सब पता है मुझे, समझा? पता है ना, तो अब क्या है? देख, उस एरिया के इंस्पेक्टर दीपक और बार ओनर के अंडरस्टैंडिंग से ही सब कुछ चल रहा है। ये सब मैं तुझे समझा नहीं सकता हूँ। ये बात बाहर आई तो तुझे प्रॉब्लम हो सकती है। ए, तू हंस क्यों रहा है? इसलिए तुम आज तक आगे नहीं बढ़ पाए भैया। बैठ जाओ। चाहे जो हो जाए, जान की है बाजी लगी। बैठ जाओ, ऐसे रखकर अपनी टेबल पर बैठो। ओए, खाना बैठो। सर, पुलिस की रेड पड़ी है। सारी टेबल पर चेक करो, किसी को मत छोड़ना। उनकी जेब से सब बाहर निकालने को बोलो। चलो चल, साइड में हो जा। चल चलो पीछे चलो। चल उठ। क्या रखा है? ए, सुनाई नहीं देता क्या? चल उठ। दिखा दिखा क्या तेरे पास? काम करने वाले और खेलने वाले अलग अलग खड़े हो जाओ। चल जब दिखा जब दिखा। तेरे लिए स्पेशल बोलूं क्या? सर एक मिनट सर, बाहर मालिक बात करना चाहते हैं। ए, हटना इधर। चल कांस्टेबल। ए, तू साइड में खड़ा हो। ए कांस्टेबल, सीसीटीवी फुटेज लेना है, तुम जाओ अंदर। ठीक है सर। नीचे रख। ए, तुम दोनों साइड में। साइड में, साइड में। ए, लाइन में आ जा, लाइन में आ जा। किनारे किनारे। कौन से थाने से आए हो? अचानक यहाँ के रेड क्यों मारी? कौन है बे तो? मेरे भाई का बार है, इसे चलाने का लाइसेंस है हमारे पास। ए, तुम लोग खड़े क्यों हो? जाके बैठ जाओ अपनी अपनी सीट पे। कह लो कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे पास कोई वारंट है क्या? और चलाने का लाइसेंस है, जुआ खेलने का नहीं। रतन, लेके जाओ इसे। आपसे बदला लेने के लिए उन्हें मेरा ही बार मिला था। रुकिए रुकिए, किसी दूसरे के एरिया में ऐसा जाके नहीं कर सकते, जरूर कोई और बात होगी। सर चाहे जो भी हो। रुकिए ना, चल के अंदर बैठ के बात करते हैं। बैठिए। हेलो सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ सर। हाँ सर बोलिए, क्या हुआ? महालक्ष्मी बार में आपने ऑफिशियल रेड मारी। हाँ मारी सर, वो एरिया आपके कंट्रोल में आता है। कल सुबह आकर बात करने की सोच रहा था, मुझे किसी इन्फॉर्मर से ये बात पता चली। किस इन्फॉर्मर ने बताया आपको? एक बार मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिली तो एरिया ध्यान नहीं रहा, डिले किए बिना एक्शन ले लिया। आपके एरिया में मैं ऐसा करूंगा तो चुप रहेंगे क्या? अब ये बताइए क्या करूँ? केस को मेरे अंडर दे दीजिए, मैं देख लूंगा। आप तुरंत आ जाइए। अभी तो मैं घर आ गया हूँ, कल बात करते हैं। हाँ भैया, तूने कल रेड डलवाई थी क्या? हाँ पड़ी थी, बहुत मजा आया था। तुझे सब करने की क्या जरूरत है? बार बार मना कर चुका, मत करिए। अब तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ये मामला सीरियस है तो खिलवाड़ मत कर। अभी कहाँ है तू? दोस्तों के साथ हूँ। तो अभी के अभी घर आ जा। ठीक है भैया, बाद में बात करते हैं। रखो। ये भी ना बेकार में डरते रहते हैं। ना ये आगे बढ़ेंगे ना हमको बढ़ने देंगे। क्या हुआ भाई? अरे वो कल महालक्ष्मी बार में रेड पड़ी थी ना, वहाँ तू था क्या? वो तेरी तो। सिर्फ इतना ही नहीं, उस शंकर ने इंस्पेक्टर से जबान लड़ाई थी तो थप्पड़ खाया था। क्या बात कर रहा है? ए, वो इंस्पेक्टर बहुत ही काला है। तो मैं क्या करूँ, मुझे थप्पड़ मारा था, अब उसको पता चलेगा। ऐसा नहीं है सर, डिपार्टमेंट की बात है, थोड़ा हिसाब से करना होता है। हाँ सर, नया आया है सर, इसीलिए बहुत बड़ा कानून का रखवाला बन रहा है सर। सर इतनी सी बात पर आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं सर? छोटा सा केस है सर, मैं देख लूँगा सर, हो जाएगा सर। ओके सर, चलो। अरे उनसे बात कराने की क्या ज़रूरत थी, मैं काम कर रहा हूँ ना तुम्हारा। नहीं सर, आप थोड़ा जल्दी करोगे तो अच्छा रहेगा, मेरे बिजनेस का नुकसान हो रहा है सर। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपके ही एरिया के किसी लड़के ने इन्फॉर्म किया होगा। थोड़ा शांत रहिए, टाइम तो जाएगा ही ना। मैं चलता हूँ, चलो भाई। एक केक लाने में इतना टाइम लगता है? अब तो आ गया हूँ ना। कैंडल, एक नंबर वाली कैंडल लाने को कहा था। ए, पुलिस वाले आए बाहर यहाँ पर। हाँ? बस बस बस, एक मिनट में अभी आता हूँ। ए, कहाँ जा रहे हो अभी? सर क्या हुआ सर, इस तरफ कैसे आना हुआ? बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, हमें नहीं बुलाओगे? सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप बिजी होंगे सोचकर। केक काट दिया है क्या? नहीं सर, अभी काटेंगे। पार्टी कहाँ है? ऊपर। पार्टी बेटी कुछ नहीं है, बस घर में फैमिली के साथ। कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे। सर आप तो पार्टी अरेंज कर देंगे। ये कौन है? फ्रेंड है सर, इससे दोस्ती बंद कर। तू भी ना, चल 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 यार। कैसे हो प्रभाकर? हेलो सर। आइए सर। देखा ना, फंक्शन पे नहीं बुलाया फिर भी आ गया। सर मैंने सोचा इन्होंने बोल दिया होगा। आओ केक काटो, आ जाओ सब नजदीक आ जाओ। मुझे नहीं, इसे खिलाओ भाई। अब तुम इसे खिलाओ। फोटो फोटो फोटो, वहां देखो फोटो। देख कबीर, आगे से ऐसा मत करना। कैसा सब? अपने थप्पड़ के बदले में तूने 2 इंस्पेक्टरों को भिड़वा दिया, अब इंटरनल इंक्वायरी आने के पूरे चांसेस हैं। अरे तुम डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट तो सीज हुआ ही होगा। थोड़ा नहीं, बड़ा अमाउंट सीज हुआ है भैया, वरना अपना एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में रेड मारेंगे। मेरा भी ख्याल रखेंगे, बोला है मुझे। गलत सोच रहा है, एकदम गलत। ये सब तेरे लिए बहुत रिस्की है। अरे भैया बेकार में ना ना करते रहते हो, पुलिस का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की सोचो ना। बात को समझिए, पुलिस और ये क्रिमिनल्स, ये सब एक बड़ा सिस्टम है, इनके सामने हम लोग तिनके के बराबर भी नहीं है। यहीं पर मेरी और तुम्हारी बनती नहीं है भैया, ये सब समझ में आता तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए होते, है ना? ठीक है चलो चलें, भाभी से गालियाँ भी तो खानी है। देखकर नहीं चला सकता क्या? कबीर तू भाग जा।